सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी कोई वेट कर रहे होंगे सुबह के सेशंस को लेके। तो चलो मैं आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 8:30 से हमारी सेशन चला करेगी, तो उस 8:30 के सेशंस को लेके आ गया हूँ। डेली करंट अफेयर्स इन 29 मीन्स आज का करंट अफेयर्स आपके सामने है। सो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो ये काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। आप हमेशा याद रखना कि जो करंट अफेयर्स को जब भी कोई पढ़ा रहे हो या जब करंट अफेयर्स को आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वन लाइनर और क्वेश्चन मोड में मत पढ़ना, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस को डीप पूछा जा रहा है, जिस तरह से एनालिसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, एनालिसिस के मूड में नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ने में तो अच्छा लगेगा बट एग्जामिनेशंस में आप फेलियर हो जाओगे। और एक बार चूक गए, एक साल चूक गए, तो पता नहीं कब फिर से वैकेंसी आएगी, कौन सी महामारी आ जाएगी, फिर आप एक साल दो साल आप पेंडिंग्स पर जाओगे। तो अगर आपको व्हेन एवर यू गॉट ए अपॉर्चुनिटीज टू गिवन द एग्जामिनेशंस, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। और करंट अफेयर्स एक निर्णायक रोल अदा कर रहा है आज के कॉम्पिटिशन को देखते हुए, तो इसके लिए मैं आपसे फिर से बार बार आपको अटेंशंस दे रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को वन लाइनर्स ना पढ़ें, करंट अफेयर्स को एंजॉय के लिए ना पढ़ें, करंट अफेयर्स को नॉलेज को अडॉप्ट के लिए पढ़ें, क्योंकि नॉलेज अडॉप्ट तभी होगा जब किसी चीज़ का डीप एनालिसिस कर पाओगे। विदाउट डीप एनालिसिस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप डीप एनालिसिस के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ो। और इसी बात को देखते हुए, इन्हीं बातों को देखते हुए, मैं करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल ही डीप एनालिसिस के साथ पढ़ा रहा हूँ। आइए आज के एनालिसिस के साथ हम सुबह सुबह करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके नॉलेज में इजाफा जरूर मिलेगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब्स एट द रेट ऑफ यूट्यूब्स एमिनेंट एजुकेटर। आपने देखा होगा चैनल्स का भी नाम मैंने रखा है एमिनेंट एजुकेटर, तो इस चैनल्स की इम्पोर्टेंस है, इनके नाम से भी इम्पोर्टेंस है। तो फटाफट आप अजीत कुमार एजुकेशनल बीएससी केमिस्ट्री मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ईयर ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस है, टीचिंग से जनरल स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स आफ्टर विद द इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल साइंसेस पे हमारा फोकस रहता है, जो कि आज का वर्निंग विषय है। ओके, तो एमिनेंट एजुकेटर को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अन अकेडमी पर जा सकते हो, लर्निंग एप्स को इंस्टॉल्ड करो, आप हमारी क्लासेस अन अकेडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हो। 9 PM पे हमारी क्लासेस देखने को मिलती है अन अकेडमी पर। आप अन अकेडमी पे SP AJ कुमार इज माई रेफरल कोर्स, यू कैन यूज दिस, ये क्लास बिल्कुल फ्री आपको मिलती है। सो टेलीग्राम ऐप्स पे डाउनलोड्स करो एमिनेंट एजुकेटर, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं आपको। फटाफट एमिनेंट एजुकेटर को फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर लो, या आप टेलीग्राम को अप्रोच करो एमिनेंट एजुकेटर के फॉर्म में, आप मेरे से बात कर सकते हो। डाउन द टेलीग्राम ऐप्स टाइप द लिंक इन URL एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन, आप उसे ज्वाइन करो और आप नोट्स ले सकते हो, या आपकी जो भी क्यूरीज होगी मैं उनको जरूर सॉर्ट आउट करूंगा एमिनेंट एजुकेटर के फॉर्म में। आइए, ये हमारे आइडियल्स हैं और ये भारत के भी आइडियल्स हो सकते हैं। ही इज द मैन, द सिंपलेस्ट बट मेंटेनेंस मैन आप कह सकते हो, नॉलेजेबल पर्सन, सो लग्जरियस एंड लाइफ हैव ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट। जब आप लग्जरियस लाइफ जीते हो या फिर कहीं झूठ बोलते हो, तो ये आपको ह्यूज मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। बट ट्रूथ एंड द सिंप्लिसिटी, लेकिन जो सच्चाई है और जो सादगी है, आर द सेल्फ मेंटेन्ड, वो अपने आप में मेंटेन होता है विदाउट एनी कॉस्ट। उसके लिए आपको किसी प्रकार की कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे से मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। आइए आगे चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। तो आज आप बात करोगे तो वर्कर्स मेमोरियल्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये 28 अप्रैल की बात है, मीन्स कल की बात है, जो कल पूरे विश्व ने वर्कर्स मेमोरियल्स डे के रूप में मनाया है। ओके, आप देख रहे हो वर्कर्स मेमोरियल्स डे आल्सो नोन एज इंटरनेशनल कमेमोरेशंस डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स अकर्स एवरी ईयर ऑन 28 अप्रैल। तो आप हर साल मनाया जाता है उनको याद करने के लिए जो अपने काम के दौरान इंजर्ड हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, तो किसी कारण से उनको याद करना चाहिए, थोड़ी सी उनको जगह देना चाहिए। द डे हैज़ बीन ऑर्गेनाइज वर्ल्ड वाइड, और इसे पूरे विश्व में भर में मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है?
इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशंस के द्वारा मनाया जाता है, और इसकी जो मनाने की शुरुआत है वो 1996 से हो चुकी है। इनको याद किया जाता है स्पेशली जो एक्सीडेंट में मारे गए हैं एट वर्क प्लेसेस, या किसी डिजीज के शिकार हो गए हैं काम करते करते, तो उनको ऑनर्स दिया जाता है, विक्टिम्स दिया जाता है। और इस साल की जो थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट, इस बार की जो थीम है 2021 की जो थीम है कौन सी, तो वर्ल्ड वर्कर्स डे की जो थीम है एंड दैट इज हेल्दी हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। तो इनको जरूर याद रखिएगा और फटाफट टेलीग्राम पे एमिनेंट एडिटर पे आ जाए, और अन अकेडमी के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हो SPAJ कुमार। आइए, तो ये जो लोग CDS की तैयारी करते हैं उनके लिए बुक लिस्ट है। CDS की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रे एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की बुक ले सकते हो जो हाई स्कूल लेवल की है, और ऑब्जेक्टिव की अगर इंग्लिश की बात करो तो SP बख्शी की ले सकते हो, और वर्ड पावर मेड इजी बाय तो नॉर्मन लुइस की बात कर सकते हो। इस तरह से मैं अलग अलग, जैसे फिर कभी UPSC की बुक लिस्ट में बताऊंगा, फिर कभी मैं JPSC की बुक लिस्ट बताऊंगा, इस तरह से मैं एक ट्रेड चेंज किया हूँ कि आपको बुक लिस्ट का भी जानकारी आपको देता रहूँ। आप अगर बात करोगे GK के लिए तो जनरल अवेयरनेस आप मनोहर पांडे के ले सकते हो, ये वही लोग लेंगे जो CDS की तैयारी कर रहे हो। मैनोरमा ईयर बुक्स ये सभी कोई ले सकते हैं, मैगजीन सच एस प्रतियोगिता दर्पण ये सभी कोई ले सकते हैं, और कंपटीशन सक्सेस रिव्यूज के भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, और योजना ले सकते हो, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए न्यूज़पेपर, तो आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करें। आप मैथ एलिमेंट्री मैथ्स के लिए RS अग्रवाल ले सकते हो, नथिंग एल्स, और पाथ फाइंडर ले सकते हो CDS के लिए आर्यन पब्लिकेशंस। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहली एनालिसिस आपके स्क्रीन पे है। आपको दो बंदे दिख रहे हैं, एक बंदे तो आप समझ रहे हो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरे बंदे आपके जो है नौसेना, सॉरी आपके जो एयर के एयर चीफ मार्शल्स हैं भदौरिया जी, द एयर चीफ मार्शल्स RKS भदौरिया, और प्राइम मिनिस्टर के दौर को उनको बुलाया गया था इस बात की व्याख्या करने के लिए कि अभी जो COVID-19 जो रिलेटेड सिचुएशन है इनमें इंडियन एयरफोर्स IAF का क्या रोल्स है। द एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इन्फॉर्म किया है प्राइम मिनिस्टर को डैट IAF हैज ऑर्डर्ड 24/7 रेडनेस ऑफ द एंटायर हैवी लिफ्ट फ्लीट्स एंड सब्सटेंशियल मेंबर नंबर्स ऑफ मीडियम लिफ्ट फ्लीट्स टू ऑपरेट इन ए हब एंड स्पोक मॉडल्स। उन्होंने कहा है कि वायुसेना 24 घंटा तैयार है किसी भी हैवी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, ये एश्योर किया है एयर चीफ मार्शल ने। जिस तरह से हमारा देश पैंडेमिक की तरह मूव्स कर रहा है, इस पैंडेमिक में एयरफोर्स की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन कंटेनर को एयरलिफ्टिंग करना है, दूसरे मुल्कों से यहाँ मंगाना है, फिर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए, तो इसके लिए 24/7 मतलब 24 घंटा और 7 दिन आपका तैयार है कौन, एयरफोर्स। इसको एश्योर किया है आपके जो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने। आइए, भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। सो अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6.4 हिट्स द सोनितपुर इन असम। तो सोनितपुर असम में ये झटके आपको देखने को मिले हैं 6.4 के रेक्टर स्केल पर आपको देखने को मिले हैं। अगर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड्स की बात करो तो ये असम के साथ ईपी सेंटर बनाते हुए 26 डिग्री 690 नॉर्थ एंड 92 डिग्री 360 ईस्ट। और फोकल डेप्थ कितनी है तो 70 किलोमीटर की है, इसको उन्होंने मेंटेन किया है। रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड वैक्सीन टू ऑल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज बिगिंस टूडे। तो आप देख रहे हो कि जो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है, जो लोग 18 साल और उसके ऊपर है उन सबों के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अब आपको पहले रजिस्टर्ड करना होगा, देन आपको आधार कार्ड को यूज करते हुए देन यू आर एलिजिबल टू गेट ए वैक्सीन। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर कोविड वैक्सीनेशन टू ऑल अबव 18 ईयर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे, मीन्स कल से स्टार्ट हो गई है। दे विल बी वैक्सीनेटेड इन द थर्ड फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। ऑल दिस दोज एलिजिबल कैन रजिस्टर ऑन कोविड कोविन पोर्टल, जिसका नाम क्या है kovin.government.in। चलिए, कोविशील्ड जो कि आपको सीरम इंस्टीट्यूट सीरम
इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और ये कोवैक्सीन जो है जो भारत बायोटेक के द्वारा फॉर्म किया जाता है। ओके, इन सबों को गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपने प्राइसेस को कम कीजिए, और साथ ही यह भी देखा गया है कि डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस पर ये काफी इफेक्टिव है, और जो कि अभी भारत में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन चल रहा है जो शार्क कोविड टू और ये जो B1.61 वेरिएंट जो आपके चल रहे हैं भारत के अंदर जो सेकेंड फेज में, उन पे काफी कारगर साबित हुआ है। आपको म्यूटेंट क्या होता है कि जैसे ये आपका मान लो वायरस है, तो वायरस के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, और यह जो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है जिस तरह से आप इसको ड्रग्स यूज कर रहे हो, इसके चैन को तोड़ने का प्रयास करते हो, तो एक अपने अंदर क्या होता है सेल्फ रेप्लिकेशन करके म्यूटेट कर जाता है, और फिर इसके स्ट्रेन को समझने में काफी दिक्कतें होती है वैज्ञानिकों को। चूंकि वैज्ञानिक इसके पेरेंटल स्ट्रेन को समझ चुका है, इसके द्वारा डेवलप किए हुए मल्टीलेटरल स्ट्रेन को समझ पाएगा। अगर ये मल्टीलेटरल स्ट्रेन को समझने का काम करता है ना, तो आप समझ लेना कि भारत इसको समझ चुका है, और यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो डबल म्यूटेंट वेरिएंट पे काफी इफेक्टिव है। इसे बताने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ये देखा गया है, और साथ ही एक संस्था है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम ओके एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। इसकी स्टडी के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो वैक्सीन है सार्स कोविड 2 पे काफी अच्छा रोल अदा करता है, और ये काफी सक्सेस है, और इस पे जो वेरिएंट है इस पे काफी इफेक्टिव माना जाता है। इनिशियल पॉजिटिव न्यूट्रलाइजेशन स्टडी किया गया था B.1.617, इसमें यह देखा गया था, अनुराग अग्रवाल के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि सार्स की जो न्यू वर्सन है डबल म्यूटेंट स्ट्रेंथ है इस पे ये भी काफी इफेक्टिव है। आइए एक अच्छी अमेंडमेंट देखने को मिला है, अमेंडेड GNCT एक्ट कम्स इनटू फोर्स नाउ, गवर्नमेंट इन दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट्स पे आ चुका है, मतलब वहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स है उन पे डोमिनेंस करने के लिए या फिर उनको फेलियर होते हुए देखते हुए इस एक्ट में संशोधन किया गया, जिसका नाम है द गवर्नमेंट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट ऑफ दिल्ली 2021 केम इनटू इनफोर्स, और ये 27 तारीख से ये लागू हो चुका है। द एक्ट गिव्स प्राइवेसी टू द लिथुएनियन गवर्नर ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल। यह एक्ट क्या होता है कि वो जो लिथुएनियन गवर्नर है उनको ज्यादा पावर देता है रिस्पेक्ट टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल। एज पर द नोटिफिकेशन इश्यूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द प्रोविजन ऑफ द GNCT एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 27 अप्रैल। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आपको बताएगा किस यूनियन टेरिटरीज में GNCT जो एक्ट है उस पे अमेंडमेंट्स किया गया है, और अमेंडमेंट्स करके एक ला दिया गया है और इफेक्टिव कर दिया गया है 27 अप्रैल से। तो आप बोल पाओगे GNCT ओके GNCT एक्ट करेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आइए, द नोटिफिकेशन विच वॉज साइंड बाय द गोविंद मोहन एडिशनल सेक्रेटरी इन होम अफेयर्स स्टेट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फ्रेंस बाय सब सेक्शंस ऑफ 20(1). तो याद रखिएगा ये एक्ट जो है 2021 15 of 2021 से अमेंडमेंट किया गया है। ओके, चलिए अब एक डेटा रिलीज हुआ है US के द्वारा, इन्होंने कहा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं मींस आपने कंप्लीट वैक्सीनेशन आपने करा लिया है तो आप जो है विदाउट मास्क मूव कर सकते हो, बट अगर काफी हाईली क्राउडेड एरिया में आपको मूव करना है तो आपको मास्क लगाना काफी जरूरी होगा, और ये भारत के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो जितने भी एरियाज हैं वो हाईली एरिया जो है आपको क्या दिख रहा होगा तो क्राउडेड दिख रहा होगा। ओके, चलिए, द US गवर्नमेंट्स हेल्थ अथॉरिटी इन्फॉर्म्ड, ये 27 अप्रैल को इन्फॉर्म किया गया है दैट
The fully vaccinated Americans do not need to wear masks outdoors except at crowded events. Missing Indonesian Navy submarine KRI Nanggala. ये जो KRI Nanggala है, ये आपको missing हुआ है and found split into three parts on seed bay. तो ये miss हुआ था, ये three parts में breaks हो गए हैं. अब ये breaks करने में कौन होंगे? हो सकता है तो कुछ animals होंगे. क्योंकि आप इतने submarines को समुद्र के अंदर डाल रहे हो, तो वहाँ की जो locals प्रजातियाँ हैं, local dominancy animals हैं, water animals हैं, उनको लग रहा है कि ये कोई externals आ रहा, तो उनको वो ब्रेक करने का प्रयास किया होगा. The Indonesian Navy submarine KRI Nanggala 402, okay, that went missing on 21st April 2021 से मिस हुआ था in the waters of the coast of Bali Islands. कहाँ पे? जो देखने को मिला है ये बाली आइलैंड और बाली की जगह डियर तो इंडोनेशिया में है. इज रिपोर्टेड टू बी फाउंड स्प्लिट इनटू थ्री पीसेस ऑन द सी बेड एट अ डेप्थ ऑफ 850 मीटर. ये तीन भागों में टुकड़े इनको देखने को मिला है. ओके आप देखो कि वाज लॉन्च एट 14 ईयर एगो इन 1980. इसे जो है कब लॉन्च किया गया था? 40 साल पहले 1980 में लॉन्च किया गया था एंड ये 1981 से क्या है अपने फंक्शन में है. From India, the Indian Navy sent their deep submarine rescue vehicles. India ने भी आपको जो है rescue vehicles मिला था, दिया था from विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश to search करने के लिए कि आखिर में ये submarine गया कहाँ से, जो Indonesian की submarine है. तो इनके तीन टुकड़े मिले हैं. ओके इंडिया की जो रैंक है ये पूरी दुनिया में मिलिट्री एक्सपेंडर्स मतलब आप देख रहे हो डिफेंस पे खर्च करने वालों की श्रेणी में ये तीसरी लिस्ट पे आ चुके हैं. मीन्स आप जो हथियार पे खर्च सैनिकों पे खर्च के नहीं मैं कर रहा हूँ, हथियार जो सिप्री है यह जो है स्टॉकहोम ऑर्गेनाइजेशन है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो वेपन्स की खरीद बिक्री पर अपना रिपोर्ट जारी करता है, इसने रिपोर्ट जारी किया है. इसकी रिपोर्ट 2020 वाली है. इसमें देखा गया है कि जो वर्ल्ड की जो पोजिशन है, इंडिया हैज रिटेन इट्स पोजिशन एज द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में ये तीसरा बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है इन 2020. अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा टाइटल सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस पब्लिश्ड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री. ओके आइए अगर आप टॉप फाइव नेशन को देखते हो कि सबसे ज्यादा हथियार पे खर्च करने वाला कौन है, तो आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स जो कि US 778 बिलियन एक्सपेंडिचर्स करता है. दूसरा है आपका चाइना जो कि 252 बिलियन एक्सपेंडिचर करता है और तीसरा है इंडिया जो कि 72.9 बिलियन एक्सपेंडिचर कर रहा है और चौथा है रशिया जो 61.7 बिलियन एक्सपेंडिचर करता है और लास्ट में है आपका यूनाइटेड किंगडम जो पांचवें नंबर पे है वो 59.2 बिलियन खर्च कर रहा है. अगर ये हथियार पे खर्च ना करे तो आप इसका मतलब वर्ल्ड में तीन कंट्री जो हथियारों पे एक्सपेंडिचर करने वाला है, पहला यूएस, दूसरा चाइना है और तीसरा तेजी से उभरता हुआ भारत है. और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद भारत इसको बीट करके, क्योंकि अमेरिका का भारत को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी बातें हो सकती है. दिस फाइव जो एक्सपेंडिचर है मिलिट्रियल एक्सपेंडिचर है ये पूरे विश्व का 62% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को ये फोकस करता है. इट इज अकाउंटेड अराउंड 62% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. सो गाइस फटाफट हम लोग फटाफट आ जाओ, वी कैन स्टार्ट. जो लोग छुटे हुए हैं वो भी आ जाए. सो ग्लोबली मिलिट्री एक्सपेंडिंग इन 2020 की कितनी हो चुकी है? तो US 1981 बिलियन. तो ग्लोबल एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो US 1981 बिलियंस का एक्सपेंडिचर हो चुका है. किस पे दिया? तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे. दिस वैल्यू इज एन इंक्रीज ऑफ 2.6% इन द रियल टर्म एज कंपेयर टू द 2019. तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हुए जिनमें काफी इंफॉर्मेटिव आपको देखने को मिल रहा है. और मैं बार बार कहता हूँ एज इट इज आप पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठिएगा, ये आपके लिए काफी बड़ा हथियार है. आइए एक बुक्स लिखने की बात हो रही है, बुक लिख दी गई है जो कि 2022 में पब्लिश होने वाली है. दिस बुक्स का नाम है द लिविंग माउंटेन्स और इस बुक्स को लिखा है अमिताभ घोष ने. किसने लिखा है? अमिताभ घोष. और ये जो बुक्स रिलेटेड है कि किस तरह से आप देख रहे हो कि नैरेटिव्स है
नरेटिंग हाउ द वुमेन्स हैव सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड नेचर, किस तरह से मानव लगातार पर्यावरण का दोहन कर रहा है, एंड लीडिंग टू एंड द इन्वायरमेंटल कोलैप्स, और जो है पर्यावरण को कोलैप्स की ओर पहुंचा रहा है। द बुक इज पब्लिश बाय हार्पर कोलिंस पब्लिशर इंडिया। इट विल ऑल्सो बी पब्लिश साइमल्टेनियसली इन हिंदी एज एन ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स। तो ये इंग्लिश में अवेलेबल होगी, हिंदी में अवेलेबल होगी, एंड ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। तो द लिविंग माउंटेन्स ऑथर्ड बाय द इंटरनेशनल एक्लेम ऑथर्स अमिताभ घोष। ओके, ये ज्ञानपीठ भी इनको मिल चुका है अमिताभ घोष को। आप झुम्पा लहरी ने एक नॉवेल्स को ट्रांसलेट किया है, इटालियंस नॉवेल्स हैं उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया है, उनका नाम रखा वेयर अबाउट्स। ओके, वेयर अबाउट्स आपका ये क्या है, नॉवेल है जो कि झुम्पा लहरी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, वेयर अबाउट्स है, और इट इज अ ट्रांसलेट वर्सन ऑफ इटालियंस नॉवेल्स इयास डो मिल्ट्रोबो। इयास डो मिल्ट्रोबो एक इटालियंस नॉवेल्स है which is written by the author Jhumpa Lahiri itself and published. Okay. Chalye. The novel was being translated into English by the author itself. The book is about unnamed female protagonist over 45 years as she looks at her life, glancing sideways and back and forth, chronicling life relationship and button up relationship इन शॉर्ट सफिशिएंट चैप्टर। तो ये मीन्स जिस तरह से फीमेल्स सप्रेश होके अपने ग्लोरियस लाइफ को जीने के लिए लिविंग रिलेशंस की ओर मूव्स कर रहे हैं, तो फिर उन किस तरह से उनको सफिशिएंट डिस्ट्रक्शंस मिलता है सोसाइटी के अंदर, इन बातों को ये काफ़ी नॉवेल्स जो है उजागर करता है, और ये वीपन्स होगा सोसाइटी के लिए। आप जो राफेल नेडल्स आप देख रहे हो, राफेल नेडल्स ये जो प्लेयर्स हैं, ही इज़ अ प्लेयर ऑफ टेनिस, इन्होंने बार्सिलोना ओपन टाइटल्स को जीता है, और ये बार्सिलोना ओपन टाइटल 12 टाइम्स ये जीते हैं। कितने टाइम जीता है इन्होंने, तो 12 टाइम जीता है। तो राफेल नडल्स ने किसको हरा के जीता है, एस्टेफेनोस ट्सिटसिपास को हरा के इन्होंने ये 12th बार्सिलोना ओपन जीता है। आप जो आप देख रहे हो राफेल जो है ये टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन के हैं, और जिनको हराया है वो क्या है, तो ग्रीस के हैं। ओके, और इस तरह से ये 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ऑफ हिज कैरियर जीत चुके हैं। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपको स्पोर्ट्स से, तो जानना ज़रूरी है। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी को परचेज करने के लिए, SP AJ Kumar, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे एमिनेंट एजुकेटर, और साथ ही साथ आप जो है एमिनेंट एजुकेटर हमारा यूट्यूब चैनल है जिस चैनल पर आप देख रहे हो, तो फटाफट इनको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो भी कीजिएगा। So stay homes, learn with us, crack the exams, or use SP AJ Kumar for getting your subscription. So फटाफट thank you, आप मुझे फटाफट subscribe करें Eminent Educators, go join our Telegram group for latest update on our upcoming videos. Thank you, you are my parts, so you definitely have to be associated with us. आपको मेरे साथ एसोसिएट्स होना चाहिए, ओके, एंड यू विल गेट्स ए ट्रिमेंडस अप्रोचेस फ्रॉम माइंड्स। थैंक यू टू लिसन्स मी वेयर केयरफुली, डेफिनेटली दिस वीडियोस एंड द इंफॉर्मेशंस विल हेल्प यू टू एनहांसेस योर नॉलेजेस, एंड आई एम अश्योरिंग्स योर एग्जामिनेशन विल बी वेरी इजी, बिकॉज आई एम नॉट एंजॉइंग दिस सेशन, आई एम गिव द इंफॉर्मेशन इन दिस सेशन। मैं वन लाइनर करके और अब वैसी बातों को यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट देखने को मिले, एंजॉय मिले। आई एम गिव यू द फुल्ली इंफॉर्मेटिव थॉट्स एंड नॉलेजेस। इफ यू एबल टू गेट दिस वन, यू आर डेफिनेटली बी द चैंपियंस ऑफ 2021। तो आई मेक यू द चैंपियंस 2021। थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। वी विल मीट बाय अनदर मींस कल हम मिलते हैं फिर 8:30 में।